काश किताब में हमारे सभी देखने वालों का स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत खास हस्ती हैं और हम उनसे बात करेंगे उनके पढ़ने लिखने के शौक के बारे में, उनकी पसंदीदा किताबों के बारे में, किताबों का उन पर जो असर रहा है उसके बारे में और भी तमाम बातें। और वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके तारुफ में बस दो बातें कह देना काफी है कि हमारी जो आज की उर्दू दुनिया है उसमें हमारे यहाँ उर्दू के सबसे बड़े शायर हैं वो इस वक्त के। और दूसरी बात ये कि मेरे सबसे पसंदीदा, सबसे प्रिय शायर हैं, सबसे प्रिय व्यक्ति हैं। तो मेरे लिए किसी ख्वाब को ताबीर मिलने जैसा है कि आज मैं उनसे बात करूं। हमारे साथ हैं इफ्तिखार आरिफ साहब, आप सब उनको जानते हैं, लाखों करोड़ों फैंस हैं उनके दुनिया भर में, हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी, और मैं ये कह सकता हूं कि मैं उनका सबसे बड़ा फैन हूं। तो स्वागत है सर आपका कासे किताब में। बहुत मेहरबानी, बहुत आप मोहब्बत करते हैं और जिक्र करते हैं इस कदर प्यार से, और आप भी मुझे बहुत अजीज हैं। जिस दिन मैंने आपका वो इंटरव्यू देखा था, पहली दफा तारुफ हुआ था आपका, मेरे दोस्त और बचपन के साथी कल्ब सादिक साहब मरहूम जी के इंटरव्यू में उन्होंने मेरा जिक्र किया था, तब मेरा आपसे तारुफ हुआ था। उसके बाद से तो आपसे बात होती रहती है। सर, सलामत रहिए, बहुत खुश रहिए। बहुत मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आपकी इतनी मोहब्बत मुझे मिलती है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर के किसी बुजुर्ग से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं राजा बाजार का हूँ और आप भी बिल्कुल पास के हैं, तो जी मुझे हाँ, बिल्कुल, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, मैं अपने बाबा से बहुत जैसे बात करता हूँ, मुझे उस तरह का महसूस होता है आपसे। बहुत मेहरबानी। आप देखिए, यानी हमारे और हमारे मोहल्ले और आपके मोहल्ले के दरमियान बस एक सड़क और पुलिस की चौकी हायल है बस। पुलिस की चौकियां गलत जगह बन जाती हैं सर। अब आपको याद है उसके, आपके यानी राजा बाजार में एंटर होते ही बाई तरफ को एक बहुत बड़ा मदरसा हुआ करता था। अब जी मुझे जी नहीं जी मालूम जी है, वो है मदरसुल मदरसतुल वायजीन उसका नाम है। जी वायजीन, जी जी है, और अभी भी मेरे है। जमाने में मेरे उस्ताद थे डॉक्टर शबीर हसन, प्रोफेसर शबीर हसन नौने हरवी, जी उनके वालिद थे अलामा इब्ने हसन नौने हरवी, वो उसके अरे प्रिंसिपल थे। और वाह, वहां से फिर हम इधर बराबर में एक छोटा सा होटल था खाने का, और खुटियों की दुकान थी, जी और जी बताशे रेवड़ी जिन्हें वाली कहते हैं, जी जी बताशे वाली जी गली, बताशे और वाली गली, आगे पाटनाला निकल जाता था उस तरफ से, क्या बात है, वाह। जहाँ आमतौर पर शिया सुन्नियों के दरमियान फसाद होता जी रहता जी जी था। जी मौलाना अब्दुशकूर साहब मदरसतुल वाइज क्या दारुल मुबल्लिगीन उसका नाम था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो अभी भी हैं, वो दोनों जगह हैं अभी भी हैं वो। बिल्कुल जी हाँ, वहाँ उसी उसी रास्ते से हम गुफरामाब के अजाखाने जाया करते जी थे, जी और जी मेरे जो ददियाल थी वो है, यानी है वो मेरे भाई, दो भाई दो बहनें वहाँ रहती हैं जौहरी महले फिरंगी महल में। जी तो जी जी जब हम अपने ननिहाल से होकर, तो इसी रास्ते से यानी राजा बाजार से और जी पाटे नाले होते हुए सब्जी मंडी वाली सड़क से और जी अपने घर चले जाते थे, जहाँ कल्ब सादिक और हमारा घर जो था वो बहुत ही समझिए करीब करीब था उस वक्त के हम वाह, दोस्त हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बहुत सर, बहुत। हमें तो, हम जब सुनते हैं ये बातें तो मेरे अंदर एक पूरा लखनऊ जिसको मैंने कभी नहीं देखा वो ताजा एकदम जिंदा हो जाता है वो आपसे बात करके। जी बस असमें ये कहा जाता है कि हर आदमी को अपना बचपन और जवानी याद रहती है सारी जिंदगी, और वो उसको उस तस्वीर में अपनी मर्जी के रंग भरता रहता है। लेकिन मैं समझता हूं कि लखनऊ के बारे में रंग भरने की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए कि वो इस कदर खुशनुमा, और यानी अब आप ये देखिए कि हमारा कॉलेज जुबली कॉलेज जी वहीं था, और जी जरा सी दूर पर रिफाए आम जी क्लब जी था, जहां पर प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की बुनियाद रखी गई थी, और पहला जलसा क्लिंटन बनाया ने था। जी सदारत की थी, और सज्जाद जी जहीर साहब ने उसकी बुनियाद डाली थी। जी उसी इलाके में डॉक्टर रशीद जहाँ रहती थी, जी और हमारे यानी इधर वजीरगंज में समझिए अली अब्बास हुसैनी साहब, और जी आरजू लखनवी साहब, जिया एस के नारायण, अख्तर जी अली तिलहरी,
जरा सा आगे एहतशाम हुसैन साहब, तो लखनऊ उस जमाने में बहुत ही उर्दू के हवाले से भी, और हमारे जब हम बड़े हुए तो हमने कॉफी हाउस में अमृतलाल नागर और यशपाल जी को देखा, और जो आकाशवाणी लखनऊ इलाहाबाद में मैंने कहा बचपन में मेरे एक उस्ताद थे एस एस सिंह जी, म्यूजिक के, वो ले गए जी, आकाशवाणी, जी, वहां से मैंने एक आध प्रोग्राम किया। बस ये है कि जो भी आदमी जहाँ बचपन गुजारता है, जहाँ यूनिवर्सिटी जाता है, कॉलेज जाता है, वो सब गलियां, और वो जोर साहब की एक बैत है जी कि पता है। आज भी वो लखनऊ की रंगरलियां दिल में हैं, वो जो कल जेरे कदम थी अब वो गलियां दिल में हैं। वाह क्या तो बात, बस वो वाह जो कल क्या जेरे कदम थी अब वो गलियां। आप जब राजा बाजार का जिक्र करते हैं तो मुझे ख्याल आता है कि उस राजा बाजार में बहुत पहले, यानी मुझसे भी बहुत पहले, गदर के बाद कुछ दिनों के लिए मीर अनीस मरहूम जो थे जी। वो राजा बाजार में आकर कुछ दिन रहे थे। अच्छा, ये मुझे नहीं और पता था सर, ये आपसे ही मुझे पता चला। जी हाँ, ये मैंने उनकी जो नय्यर मसूद साहब ने उनकी जी बायोग्राफी की है जी और उन पर काम किया। मैंने यहाँ जब मैं नेशनल लैंग्वेज अथॉरिटी का चेयरमैन था तो मैंने वो किताब बायोग्राफी उनकी छापी थी यहाँ से भी। अच्छा, वो वहां रहते थे कुछ दिन को, उन्होंने वहां कायम किया। आपके इल्म में है कि 1857 की नाकाम जंग आजादी के बाद अंग्रेजों ने लखनऊ का हुलिया बिगाड़ दिया था, उसके बीच से सड़कें निकाल दी, महलों के दरमियान से खुदवा दिए, और उस जमाने में एक लफ्ज इस्तेमाल होता था हल चलवा दिए। जी तो जो भीम सिंह का अखाड़ा था जहां मीर तकी जी मीर की कब्र थी और बुजुर्गों की कब्रें थी, जी वहां उनके हिसाब से बागी वहां पनाह लेते थे। जी तो जब अंग्रेजों ने उस पर कब्जा किया दोबारा, यानी छुड़ा लिया उसको समझिए, तो उन्होंने वहां हल चलवा दिए और खुदवा दिया उस पूरे इलाके को, तो उसकी शक्ल बिगड़ गई। जी लेकिन फिर भी जो जगह रह गई थी, मसलन आप अगर अभी भी जाइए जुबली कॉलेज में जी जी तो वहां आप देखेंगे बास दरख्तों पर कुंडे लगे हुए हैं जी लोहे के बड़े फांसी बड़े, फांसी दी जाती थी जी। तो वहां पर फांसी दी जाती थी, वहीं पर जिसको कहते हैं समरली ट्राई किया जाता था, और वहीं उनको फांसी लटके रहते थे वो वहां पर, और जाहिर है कि ताकि दहशत रहे और कस्सा रहे। तो हमारे जमाने में ऐसे बुजुर्ग जिंदा थे। मेरी एक दूर पार की नानी थी, वो वहीं हमारे डेवड़ी आमीन में रहती थी। तो जब 1857 की सालगिरह मनाई जा रही थी तो रेडियो वाले उनसे इंटरव्यू करने आए, तो मैं छोटा सा था, ये समझिए नवी आठवीं नवी में पढ़ता था, तो मैं उनके साथ बैठ गया, वो पर्दा करती थी। तो उन्होंने हाल सुनाया और के जो उन्होंने अपने बुजुर्गों से सुना था कि जब सुल्तान आलम वाजिद अली शाह को कैद करके ले जाया जा रहा था जी तो हम छोटे छोटे बच्चे, यानी वो कहती थी कि हम बच्चे बच्चियां जो थे वो सड़क पर, जो आप वो जो सड़क समझिए जाती है मेडिकल कॉलेज से, अगर आप शहर के इस तरफ को आइए तो जहाँ पर सुल्तानपुर मदारिस का नुक्कड़ जी जी और जो हॉस्पिटल है उसकी उस जी वाली सड़क पर इस तरफ से ले जाए गए थे, और अच्छा उनकी सवारी जा रही थी और लोग दोरोया खड़े हुए समझिए गिरिया कर रहे थे। जी बहुत वाह सर। कुछ लखनऊ पे कभी सोचा कुछ कुछ अलग से बराहे रास्त लखनऊ के बारे में लिखने के लिए? जी मेरी कुछ रिकॉर्डिंग्स हुई हैं जिसमें मैंने अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार रिकॉर्ड कराए हैं, जी यानी उसको मैं लिखूंगा रात के दूसरे किनारे पर, वाह और उसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो उसमें बाद में मसाइल आ जाते हैं जी हर तरह जी के, जाती जी भी जी और बिल्कुल सियासी भी, जी तो बिल्कुल एहतियात करनी पड़ती है जी बिल्कुल बिल्कुल और जिम्मेदाराना बात बिल्कुल करने बिल्कुल की होती है, बिल्कुल और जरूरत इस बात की है कि कोई ऐसी बात जिससे किसी की दिलाजारी का बिल्कुल बिल्कुल पहलू
पढ़ने के लिए वो मुनासिब बात नहीं है। बिल्कुल। और जाहिर है कि मैंने अगर 21 बरस उस शहर में गुजारे हैं जी तो पहली दफा मैंने वहाँ बुरी बातें सुनी होंगी, पहली दफा मैंने बुरी बातें की होंगी। अब आप लोग हमारे बच्चों की तरह हैं, अब उनके सामने बहुत सी बातें करते हुए हिजाब आता है। और मुझसे, मैं जब जाता हूँ यूनिवर्सिटियों में या कॉलेजेस में, मुझे बुलाया जाता है तो मुझसे फरमाइश की जाती है उस जमाने की गजलें सुनाने की, तो मुझे बड़ा हिजाब आता है, मुझे शर्म आती है कि बच्चियां बैठी हुई हैं और बच्चे बैठे हुए हैं, मैं उनके सामने कोई अच्छा। बाज लोग जो हैं वो बहुत धड़ल्ले से अपने वाकयात सुनाते हैं, बयान करते हैं, मैं उस पर इतराज नहीं करता, मगर मेरे मिजाज के खिलाफ है ये जी बात। बिल्कुल 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 सर, ये जो हमारा एपिसोड है इसमें हम किताबों के बारे में बात करते हैं, तो मैं पहला सवाल जो आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये कि कौन सी ऐसी पांच किताबें हैं, पांच तो मैं कह रहा हूँ, आप एक दो तीन चार जो भी बताना चाहें, जो सबको पढ़नी चाहिए आपके हिसाब से, हर आदमी को वो पांच किताबें पढ़नी चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता, मैं इसलिए कि बास चीज़ें होती हैं जिनका ताल्लुक अकीदे से होता है, वो किताबें सबको पढ़नी चाहिए जो जिस भी उसका जिस धर्म से उसका ताल्लुक है, जिस मजहब से उसका रिश्ता है, उसकी किताबें पढ़नी चाहिए। मसलन आपको गीता ज़रूर पढ़नी चाहिए, आपको रामायण और महाभारत ज़रूर पढ़नी चाहिए, और आपको भारतीय संस्कृत के बारे में मालूम होना चाहिए, उसकी उसकी सभ्यता के बारे में, उसके उसकी संस्कृति के बारे में, उसके धर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह से मैं एक मुसलमान के तौर पर और एक पाकिस्तानी के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि हर शख्स को अपनी जो बेसिक्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, अपनी ज़मीन के बारे में। मसलन मैं जिस मुल्क में रहता हूँ, जो मेरा वतन है, जिसमें मैंने ज़िंदगी गुजारी है, ये एक बहुत बड़ी तहजीबों का मरकज़ है, यानी मोहनजोदड़ो और मेहरगढ़ की तहजीब यहाँ है। यहाँ पर तक्षशिला और गंधारा के, जहाँ पर मैं रहता हूँ उससे कोई समझिए आधे घंटे के फासले पर, तक्षशिला और 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 गंधारा के जो तहजीबी आसार हैं वो पाए जाते हैं, ऊपर शारदा यूनिवर्सिटी के आसार पाए जाते हैं। तो ये सब जानना चाहिए। हम मसलन कुछ तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैंने आपके लिए एक बात सोची थी कि जब किताबों पर बात होगी कि देखिए, ज़िंदगी में मैंने बहुत अकेली ज़िंदगी गुजारी। मैं बावजूद ख़ानदान में मेरे जो नाना थे वो मुझे ले आए और मैं यहाँ चांदी खाने ड्योरी आगामीर में रहने लगा, और मैं और वो अकेले समझिए एक तरह से रहते थे, और वो काम पर चले जाते थे। उनका ताल्लुक बहुत ही मेहनतकश तबके से था, मजदूरी करते थे वो। अच्छा, अब जाहिर है कि इस तबके के जो बच्चे होते हैं उनको बहुत सी सहूलतें मैसर नहीं होती, और आज भी एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जनूबी एशिया का, साउथ एशिया का, जिसमें अभी पावर्टी लाइन के इधर जिंदगी गुजारते हैं। तो उनको अच्छा, अब मैं आप किसी से पूछिए अभी तो वो फौरन कह देता है कि मैंने लैटिन अमेरिका के ये नॉवल बहुत मुझे अच्छा लगा था जी। या वो ये कह देगा कि मुझे फ्रांसीसी अदीबों में फला ये बहुत अच्छे लगते थे, और सार्तर और कामो और फर्ज कीजिए बॉडलेयर और रामबो और इनके नाम गिनाएगा, और गैब्रियल गार्सिया मार्केज़ और मारिया योसा वगैरह का नाम, मैं नेरुदा वगैरह का नाम मैं तो अभी जाना, मैंने समझिए 30 साल पहले जब मैंने जिंदगी शुरू की थी तो मैं तो इन लोगों को नहीं जानता, मैं तो हिंदी मीडियम था, हिंदी मीडियम में और गरीब घरानों में ये सब कहाँ होता था। पहली किताबें जो कोर्स के अलावा मैंने पढ़ी उसमें मैक्सिम गोर्की की एक किताब माँ जो बहुत मशहूर है, ये इसलिए मैंने पढ़ी कि हिंदुस्तान में उस जमाने में रूसी किताबें बहुत खूबसूरत छपती थी और वो एक एक रुपए की एक एक किताब मिल जाती थी। अच्छा, वो एक रुपया भी हमें कम मैसर होता था, मगर ये किताबें हमें, जैसे मेरा बचपन है या माँ है, ये मैंने बचपन में यानी नौजवानी के जमाने में पढ़ी थी। वजीरगंज के नुक्कड़ पर एक लाइब्रेरी थी, एक आना लाइब्रेरी, वहां से एक आने में एक दिन के लिए किताब मिलती थी। वहां जो साहब लाइब्रेरियन थे वो मुझ पर जरा सी मेहरबानी करते थे कि
मैं छुट्टी के रोज दिन भर में किताब, जासूसी दुनिया या रूमानी दुनिया जो थी वो दिन भर में एक किताब खत्म करके और दोबारा जाके दूसरी किताब ले आता था। वाह और रोशनउद्दौला जी लाइब्रेरी जो है, जी अच्छा जैसे अमीर उद्दौला गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे नैनीताल जाते थे, मसूरी जी जाते थे, जी और जैसे आजकल बच्चे लंदन जाते हैं, न्यूयॉर्क जाते जी हैं, दुबई जाते हैं, जी तो हमारे पास तो इतने पैसे होते नहीं थे। तो हम गर्मियों की छुट्टियों में रोशनउद्दौला लाइब्रेरी जो है जी वहाँ जाते थे। वहाँ पंखे लगे हुए थे जी और वहाँ जो लाइब्रेरियन थे वो मुझको पहचानते थे कि ये एक लड़का आता है अकेला, और ये दिन भर, यानी फर्ज कीजिए 10 बजे 10:30 बजे वहाँ पहुँचे, और 4 आने पैसे हमको मिलते थे, और नीचे उतर के 2 कचौरियाँ और खाई और गुड़ के सेव, और वहीं नल से पानी पिया और फिर लाइब्रेरी में आ गए। वाह तो हम वहाँ पर जो उर्दू की किताबें थी, हिंदी की किताबें थी, वो पढ़ते थे, शेर बहुत पढ़ते थे, शायरी बहुत पढ़ते थे। मुझे अभी जी भी अगर आप कभी कहेंगे तो मैं आपको उस जमाने के बहुत से शेर उर्दू के अच्छा सुना। बैदबाजी में जाता था, अभी अच्छा भी लखनऊ में बाद मेरे दोस्त हैं जो जानते हैं इस बात को, कि जी मुझे बेशुमार अशार बुजुर्गों के याद थे, और जी अंत्याक्षरी में भी मैं जाता था। वाह जब उनकी टीम कमजोर पड़ती थी वाह क्या बात तो मुझे ले क्या बात जाते थे। क्या बात और खैर, तो जो किताबें आपने फरमाई जी उसके सिलसिले में जो जिसने मुझ पर बहुत असर डाला, एक तो जो शौरी तौर पर जब जी मुझे समझ आने लगी, तो जी मसलन मैंने माँ का जिक्र किया, तो जी माँ जो उस जमाने में हमारे यहाँ रूसी अदब बहुत आता था और सोवियत नजरियात का प्रचार बहुत, और प्रगतिशील लेखक संघ भी था जी और जी अंजुमन बिल्कुल तरक्की उर्दू भी थी, तरक्की पसंद जी जी मुसन्निफीन भी थी। तो उसमें हमने बाकायदा जिसको कहते हैं प्रेस्क्राइब जो किताबें होती जी जी थी तो वो जी हमने पढ़ी। जी लेकिन अगर आप कहिए अवेयरनेस जिससे जी होती थी, बिल्कुल तो अब देखिए नॉवल निगारों में हमारे जमाने में जी जो बहुत ही मशहूर थे, कृष्ण चंद्र हमारे जमाने में लिख रहे थे, और बेदी जी साहब लिख रहे थे, मंटो लिख जी रहे थे, गुलाम जी अब्बास साहब लिख रहे थे, तो ये लखनऊ में इनका बड़ा चर्चा था। जी और इनकी किताब, इनकी कहानियां 20वीं सदी और शमा, ये जो रिसाले आते थे ना, जी इसमें भी इनकी कहानियां, इस्मत आपा वगैरह की, सज्जाद जहीर साहब, रजिया सज्जाद जहीर साहब, इनकी कहानियां रिसालों में भी छपती थी, तो जी वो हम पढ़ते थे। इधर यशपाल जी और अमृतलाल नागर, ये दो बुजुर्ग भी, जी लखनऊ से इनका ताल्लुक था, तो इनकी चीजें भी छपती थी, तो मैं हिंदी उर्दू दोनों पढ़ता था। सही जाहिर है कि प्रेमचंद कोर्स में थे तो सही उनको तो सभी पढ़ते थे, और प्रेमचंद और सुदर्शन और सही अली अब्बास हुसैनी साहब हमारे उस्ताद सही भी थे, सही जी हमीदुल्ला अफसर मेरठी हमारे उस्ताद भी थे। तो बचपन में मैंने किताब से मेरी दोस्ती हो गई। घर में मेरा मेरा कोई भाई, यानी मेरी जी वालिदा से मैं अकेला बेटा था, तो अच्छा कोई मेरे चचा नहीं थे सगे, कोई जी मेरे मामू नहीं थे सगे, तो बस मैं अकेला था। अच्छा तो किताब पढ़ता रहता था और खेलता था और तकरीबात में जाता था, जी मजलिसों में और महफिलों में। तो शुरू से ही शायरी से मुझे शगफ था। अच्छा तो जी हाँ, मीर तकी सर मीर जी और मीर जी अनीस, ये जी दो शायर ऐसे थे कि जो मुझे बहुत हॉन्ट करते थे और मेरी पसंद के थे, तो मुझे बहुत मीर के अशआर याद थे। आपको अच्छा याद होगा, यानी आप जी अभी भी जाएं, शायद आप उसको शूट करें, जी कि ये जो जुबली स्कूल यहाँ पर है, जी जी इसके कोने में एक कब्र है, वो कहा जाता है कि वो मीर तकी मीर के बेटे की कब्र है, और जी वो जो जी छत्ता है रेल का, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल उसके पास मस्जिद जहां पर है, वो चौधरी गढ़िया कहलाता है जी वो चौधरी गढ़िया से आगे, चौधरी जी गढ़िया से जब आप इस तरफ को आइए जी जुबली स्कूल की तरफ, जी तो वहां व्यायाम को एक सड़क जाती है, एक जी बेदी जी गैरत को बिल्कुल सड़क जाती है, तो बिल्कुल वहां पर मीर तकी मीर की कब्र थी, जो खुदवा दी गई जब रेलवे लाइन निकली लखनऊ में, तो जी उस जमीन, उस इलाके को खोद दिया गया, तो वो कब्र भी खोद दी गई। तो मीर तकी मीर और अनीस, ये जी दो ऐसे शायर थे जो मैंने बचपन में बहुत पढ़े। अच्छा, उसके बाद
हम जिस इलाके में आप रहते हैं, जहाँ जी इससे थोड़ी दूर पर कटरा उत्तराखा में जी एक बिल्कुल बहुत बिल्कुल ही बड़े गजल के शायर रहते थे, यगाना चंगेजी। जी, ये गाना जी जी अच्छा, जी सबसे ज्यादा वो झगड़ालू आदमी थे, बहुत ही मुतनाजा आदमी थे, और बहुत उनके ही यानी उनके साथ समझिए बुरा सुलूक भी किया था लखनऊ वालों ने, बहुत बुरा लखनऊ सुलूक वालों भी के साथ उन्होंने भी बुरा सलूक किया था। और देखिए ऐसे है कि जब आप जी भी, एक ये उसूल है कि जी जो सोशल फैब्रिक है, जी जब आप इसको छेड़ने की छेड़ेंगे कोशिश जी करेंगे जी तो बिल्कुल ये रिएक्ट जरूर करेगा, चाहे कितना कमजोर माशरा हो। जब जी उसके नॉर्म को आप चैलेंज करेंगे, जी और वो करते थे, चुनांचे बिल्कुल उन्होंने गालिब के खिलाफ गालिब लिखा, शिकन हाँ जी उन्होंने बिल्कुल इकबाल के खिलाफ लिखा, उन्होंने मजहब के खिलाफ लिखा, मगर समहाउ मुझे वो मजलूम लगते थे, और मुझे उनकी शायरी में एक तनतना था, एक बड़ा यानी लहजा उनका बहुत जबरदस्त था, वो मुझे अच्छा लगता था। तो वाह मैंने उनके शेर और लोगों को चिढ़ाने के लिए भी अच्छा ये गाना के बहुत शेर मुझको याद थे। क्या अच्छा, बात तो गालिब ने एक जगह किसी खत में लिखा है कि जो आदमी का शौक हो, अगर वही उसका पेशा हो जाए जी और वही उसका जरिया माश और हो जाए, तो उससे बड़ी अय्याशी और उससे बड़ी नेमत और उससे बड़ा समझिए वरदान कोई नहीं हो सकता। क्या बात है वाह तो मैं देखिए सारी जिंदगी, अब मेरी उम्र हो गई 76वें बरस की। अच्छा अच्छा, तो मैं अकादमी अद्वियात पाकिस्तान, जो पाकिस्तानी साहित्य जी अकादमी है, जी मैं जी इसका कोई 10 बरस चेयरमैन रहा, मैं उर्दू मरकज जी का कोई 12-11 बरस वहाँ उसका हेड रहा, फिर जी मैं नेशनल लैंग्वेज अथॉरिटी का मैं जी कोई 3 दफा चेयरमैन रहा, फिर मैं जी ईरान चला गया। तो सारी जिंदगी मुझको किताब से ही राबता वो रहा और साबका रहा, तो मैं बहुत ही अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ सर कि आपकी एक नज्म है ना, मोहब्बत की आखिरी नज्म जिसका उनवान है, मेरी जिंदगी में एक किताब है, वो बिल्कुल जी मेरी, उसमें मैंने जब मेरी बेटी की जब शादी हो रही थी, तो जी मैं उससे बहुत प्यार करता, सभी अपने बच्चों से प्यार करते हैं, जी मगर मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। तो मैंने उसको कहा कि बेटे, जिंदगी में मैंने कभी मोहब्बत नहीं की, इसलिए कि एक तो मुझे फुर्सत नहीं थी, और दूसरे ये कि मैं ये नहीं समझता था कि किसी एक शख्स के पीछे जिंदगी लगा दी जाए। जी और जिंदगी में आपके माँ होते हैं, माँ होती जी है, बाप होते जी हैं, जी बहन होती है, जी आपके दोस्त होते हैं, आपका जी करियर होता है, आपकी जात होती है, तो जी ये सब चीजें, इनको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। हमारे नौजवान प्रायोरिटाइज नहीं करते, जी और जो जमाना होता है जिंदगी बनाने का, जी वही जमाना जिंदगी के तबाह करने का होता है। यानी 18 बरस से 25 बरस तक अगर जो आदमी अपनी जिंदगी बनाने के लिए प्लान नहीं करता, वो फिर सारी जिंदगी नाकाम, अक्सर वबेशतर नाकाम रहता है। तो जो बुनियाद है वो इन्हीं दिनों में रखी जाती है। जी तो मैंने उससे कहा कि बेटे, मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मगर तुमसे भी ज्यादा मैं अपनी शायरी से मोहब्बत करता हूँ, क्या बात इसलिए कि क्या बात किताब जो है, अगर मेरी दोस्त भी है, मेरी गमगुसार भी है, मेरी रफीक भी है, वाह हौसला भी बढ़ाती है और आंसू भी पोंछती है, मुझे मेरी खुशी में शरीक भी होती है, तो किताब से अच्छा रफीक कोई और। तो क्या वही बात मैंने लिखा कि मेरी जिंदगी में सर, सुना देंगे बस एक अगर थोड़ा किताब सा है, तो एक जी जी चिराग है, जी जी वाह वाह जी जी मेरी जिंदगी में बस एक किताब है, एक चिराग है, एक ख्वाब है, और तुम हो। मैं ये चाहता था किताबो ख्वाब के दरमियान जो मंजिलें हैं, तुम्हारे साथ बसर करूं, यही कुल असास है जिंदगी है, इसी को ज्यादा सफर करूं, किसी और समत नजर करूं तो मेरी दुआ में असर न हो, मेरे दिल के ज्यादा है खुशखबर पे बजुस तुम्हारे कभी किसी का गुजर न हो, मगर इस तरह के तुम्हें भी इसकी खबर न हो, इसी एहतियात में सारी उम्र गुजर गई, वो जो आरजू थी किताबो ख्वाब के साथ तुम भी शरीक हो, वही मर क्या गई। बात इसी कश्मकश ने कई सवाल उठाए हैं, वो सवाल जिनका जवाब मेरी किताब में है ना ख्वाब में, मेरे दिल के ज्यादा खुशखबर के रफीक तुम ही बताओ फिर कि ये कारोबार हयात किसके हिसाब में, मेरी जिंदगी में बस एक किताब है, एक चिराग है, एक ख्वाब है, और तुम हो। मैंने हिमांशु, जब वाह मैंने एक
मुझे बहुत ही एक अच्छी जिंदगी मैंने लंदन में गुजारी। मैं उर्दू बरकस का वहाँ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था, जी तो मुझे ये लगा कि जैसे मुझे ये जो जिंदगी की आसानियां हैं और सहूलतें हैं और जिंदगी जी की जो चकाचौंध है, ये मुझे खा जाएगी और ये मुझे मुझको किताब से दूर कर देगी। जी तब मैंने एक नज्म लिखी थी जो बीबीसी से एक प्रोग्राम होता था, पोएट्स इन एग्जाइल, जी उसमें जी भी मैंने पढ़ी थी। इस पे कुछ छोटी सी फिल्म भी थी, जी किताब बदशगुनी इसका उन्वान है। जी किताब कीचड़ में गिर पड़ी थी, अजब घड़ी थी, किताब कीचड़ में गिर पड़ी थी, चमकते लफ्जों की मैली आंखों में उलझे आंसू बुला रहे थे, मगर मुझे होश ही कहाँ था, नजर में एक और ही जहां था। नए नए मंजरों की ख्वाहिश में अपने मंजर से कट गया हूँ, नए नए दायरों की गर्दिश में अपने महवर से हट गया हूँ। सिला, जजा, खौफ, बेयकीनी, उम्मीद, इमकान, नाउम्मीदी, हजार खानों में बट गया हूँ। अब जी इससे पहले कि रात अपनी कमंद डाले, ये सोचता हूं कि लौट जाऊं। अजब नहीं वो किताब अब भी वहीं पड़ी हो, क्या अजब बात है, नहीं आज भी मेरी राह देखती हो, चमकते लफ्जों की मैली आंखों में उलझे आंसू, हवाओ हिरसो हवस की सब गर्द साफ कर दें, अजब नहीं मेरे लफ्ज मुझको माफ कर दें। किताब क्या बात है, कीचड़ में गिर पड़ी थी, तो क्या बात लफ्जों से फिर मेरी दोस्ती हो गई दोबारा और है, वाह मैंने लिखना शुरू किया। वाह वाह अभी जो मेरी आखिरी किताब है उसमें एक शेर है जी जी कि खत्म खुशगुमानी में कभी गाह, खुशअंदेशी में बदगुमानी में कभी गाह, खुशअंदेशी में कट गई उम्र बरासिम की कमी बेशी में, एक किताब और नई आई नए ख्वाब के साथ, जी एक किताब और नई आई नए ख्वाब के साथ, एक चिराग और जला हुजरे दरवेशी में। तो जब क्या बात, किताब आती है तो हुजरे दरवेशी जो है वो रोशन हो एक जाता है, चिराग और आंखें जलता है रोशन हो उसमें। जाती है। सर एक सवाल ये है कि जो लोग नहीं पढ़ते हैं, जो इन किताबों की रगबत से दूर है, रिफाकत से दूर हैं, उन्हें क्यों पढ़ना चाहिए? अगर आप इस पर, मैं आपसे कहूं कि आप एक मुख्तसर सा वाज करें हम जैसे बच्चों के लिए, तो आप कहेंगे क्यों पढ़नी चाहिए किताब जो नहीं पढ़ते हैं उनको? देखिए, किताब पहली बात तो ये कि लुत्फ देती है और आपको जिंदगी की गुत्थियां सुलझाने में मदद देती है, आपका सहारा बनती है, आपको रास्ता दिखाती है, आपको हौसला देती है, आपको बताती है कि जिंदगी जो है वो बहुत ही खुशगवार गुजारी जा सकती है, सुकून हासिल किया जा सकता है। और शांति, जब तक अंदर की शांति नहीं होगी, चीजों में शांति नहीं है, चीजों वाह को जमा कर लेना, थिंग्स जिन्हें हम कहते हैं, जिंदगी में उनकी कोई अहमियत नहीं है। वाह अपना ख्वाब, अपने ख्वाब किस से वाबस्तगी, अपनी शर्तों पर जीना सीखिए। आप अपने आप से पूछिए कि आपको चाहिए क्या है और उसके बाद सफर करना शुरू कीजिए, अपनी तवानाइयों को रिस्टोर कीजिए, जमा कीजिए और उसको चैनलाइज कीजिए। तो जो लोग अपने वक्त को मैनेज नहीं करते जी वो, और किताब जो है आपको आप अपनी जिंदगी को सुधारने में, उसको खूबसूरत बनाने में, देखिए आप, मैं आपसे कहूं, कभी मुझे आपकी जबान में मैं गुफ्तगू करता हूं कि देखिए जी सब शायर एक तरह के नहीं होते, निराला जी और तरह के शायर थे, नीरज जी और तरह के शायर हैं, जी महादेवी वर्मा और तरह की शायरा थी, और फर्ज कीजिए सुमित्रा नंदन पंत और तरह के शायर थे, गुप्त जी और तरह के शायर जी थे, जयशंकर वाह प्रसाद। क्या तो बात, सब लोग एक वक्त नहीं आते। कभी मुझको साहिर अच्छे लगते थे, कभी मुझे मजाज अच्छे लगते थे, कभी मुझे मखदूम और कैफी और सरदार अच्छे लगते थे, फिर जी। एक वक्त आया कि मुझे फैज अच्छे लगते थे और फैज वाह आज भी अच्छे लगते हैं, ये सब शायर भी अच्छे लगते हैं, मगर वाह जिंदगी के जब आपकी उम्र थे तो सारा हमें साहिर का कलाम याद था क्या बात, और उसे सुनाते रहते थे, यानी वाह सरदार भाई की नज़में और मजरू साहब की गजलें, ये सब पढ़ते रहे, जवानी इनके साथ गुजारी। फिर वाह क्या होता है, जिंदगी अपने जो उसका तनव्वो है, जो उसकी उसकी जो जी जो जो वेरिएशंस है, उसमें आपको जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं, तो दो किताबें मैं समझता हूं कि तारीख जरूर पढ़नी चाहिए। जी और जैसे मैंने मैंने कहा कि मैंने फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री में मैंने बड़े लोगों से पढ़ा है, जी लखनऊ यूनिवर्सिटी में डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी जी जैसे बिल्कुल लोगों से पढ़ा है मैंने, ए के मुखर्जी सरन जैसे,
लोगों से पढ़ा है। तो जैसे डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट एक किताब है स्पेंगलर की, वो मुझे बहुत समझ में आ गई थी। किताबें बाज मुश्किल भी होती है ना, तो जिनसे आपकी दोस्ती हो जाए, इसी तरह से टॉयनबी की किताब स्टडी ऑफ हिस्ट्री वो मुझे समझ में आ गई थी। मैं तो को अंग्रेजी मेरे यहाँ नहीं बोली जाती थी, मैं तो एक हिंदी उर्दू मीडियम का आदमी था, न खानदान में न घर में न महल्ले में कोई बोलता था, सब उर्दू में गुफ्तगू हिंदी में गुफ्तगू करते थे और उसी उर्दू में किताबें मैं पढ़ता था। मगर जो किताबें मुझे समझ में आई और जो जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया वो ये लोग थे शुरू शुरू में। ये जो हम मैंने आपसे कुछ नाम लिए प्रोग्रेसिव राइटर्स के, इन्हीं लोगों की कहानियां, इन्हीं लोगों के नॉवेल, और क्योंकि मैं उनसे रिलेट करता था, गरीबों के बारे में थे वो, मजदूरों के बारे में थे वो, एक निचले तबके के बारे में थे, तो मैं समझता था कि ये मेरे रफीक हैं और ये जो नजरिया है इसी में जिंदगी बेहतर बनाई जा सकती है। और आज भी मैं उस बात पर कायम हूं कि जिंदगी जो है वो जो सोशलिस्ट आइडियल्स हैं उनको फॉलो किया जाए तो बनाई जा सकती है और बन सकती है। बहुत बढ़िया। किताब बहुत ही बदनसीब हैं वो लोग, मैं समझता हूं कि जाहिर है कि हमारे यहाँ जो हमारा माशरा है इसका जुल्म है, जो कैपिटलिज्म की सूरतें आपके यहाँ हैं, मेरे यहाँ हैं और दुनिया में हैं, वहां पर तालीम आम नहीं है। जब तालीम ही आम नहीं होगी तो वो किताब क्या पढ़ेगा, जब दो वक्त की रोटी नहीं खाएगा तो किताब कैसे पढ़ेगा, म्यूजिक कैसे सुनेगा। यानी फर्ज कीजिए कि थिएटर बहुत अच्छी बात है, देखा जाना चाहिए, लेकिन थिएटर जाने के लिए कुछ पैसे चाहिए। यानी तस्वीरों को हमें तो देखिए, हम लखनऊ यूनिवर्सिटी जाते में हमें भारखंडे म्यूजिक यूनिवर्सिटी पढ़ती थी, जमाने में तो भारखंडे म्यूजिक कॉलेज कहलाता था, तो वहां पर सितार और सरोद और बांसुरी और वोकल जो म्यूजिक है वो सिखाई जाती थी। हम उसको सुनते थे, हम देखते थे कि यहाँ कौन कौन से असातिज़ा पढ़ा रहे हैं वगैरह, हम वहाँ जा नहीं सकते थे। लखनऊ यूनिवर्सिटी जब आप जाते हैं तो रास्ते में नदवा है, नदवे के बराबर में आर्ट्स कॉलेज है जी। अच्छा, अब लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में हमें अप्रिसिएशन करना बताया नहीं जाता था, हम तस्वीरें कैसे अप्रिशिएट कैसे कर सकते हैं, हमको एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को या क्लासिकल आर्ट को या सरिलिज्म को या एक्सप्रेशनिज्म और जो जो भी एब्स्ट्रैक्शन वगैरह जो भी स्कूल हैं, हमें तो बेसिक तस्वीर देखने की तहजीब भी नहीं सिखाई जाती थी, हमें नहीं आती थी। हमें अच्छा अब क्या है, जिंदगी की दौड़ हमें लिटरेचर से पीछे कर गई है। अब आप देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो निसाब की किताबें यानी कोर्स की किताबें बहुत पढ़ते हैं, सिलेबस में जो किताबें लिखी होती हैं, और फाइन आर्ट्स पर उतनी तवज्जो नहीं देते जैसे हमारे यहाँ पैशन होता था। हमारे यहाँ मसलन हमारे जमाने में बड़ा शोर होता था कि जो तलत महमूद है ये लखनऊ से गया था रेडियो से। अच्छा, अब ये बात हमें हॉर्न करती थी कि भाई ये तलत महमूद जो है ये अच्छा गाते हैं, लेकिन जो अब हम वहाँ कहानियां सुनते थे कि कैसे थे, क्या थे, कहाँ रहते थे, और जैसे बहुत से ऐसे लोग थे जो नौशाद साहब फिल्म जी हाँ तो वो सब उनका ख्याल आता था। जैसे देखिए आरजू लखनवी साहब थे, अब वो वहीं कई घरों में रहे और उसे हमारे इलाके में भी रहे जी, वो फिल्मों में भी चले गए, आपके इल्म में उन्होंने बहुत से गाने लिखे, फिल्मों के बहुत से गाने लिखे, जैसे फसके जोर साहब ने बहुत से फिल्मों के गाने लिखे, बाद में तो ये हमारे कैफी भाई मजरू इन सबने जानसार सारे के सारे उसी इलाके से आए थे और लखनऊ से होते हुए, यानी कोई आदमी रुदौली का है, कोई आदमी खैराबाद का है, लेकिन वो सब रहते तो सब लखनऊ में ही थे, ये लखनऊ से होके बॉम्बे की तरफ गए। तो मैं समझता हूँ कि किताब जिस माशरे में अगर आप देखना चाहें, एक तो पैमाना होता है कि इसकी जीडीपी कितनी है और इसकी पर कैपिटा इनकम कितनी है, दूसरा ये है कि भाई दानिशगाहें कितनी, कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, कितने कॉलेजेस हैं, किताबें कितनी छपती हैं, कौन सी किताबें कितनी छपती हैं, नॉवेल्स कितने छपे हैं, क्या है, तो आपको अंदाजा होगा। हमारे यहाँ किताब का रुझान पहले के मुकाबले में तालीम बढ़ी है, मगर लिटरेचर जो है वो सारी दुनिया में मार्जिनलाइज हुआ है, वो जरा सा पीछे चला गया है। मैं जाता हूँ बरतानिया में या फ्रांस में या अमेरिका के किसी बड़े शहर में, न्यूयॉर्क वगैरह में,
किताबों की दुकान में पहले लिटरेचर फर्स्ट फ्लोर पे होता था, ग्राउंड फ्लोर पर होता था, अब कहीं बेसमेंट में चला गया, पोएट्री उससे भी नीचे चली गई। और बहुत कम तक अब दुनिया में अंग्रेजी लिंगुआ फ्रांका के तौर पर अपनाई जाने लगी। नतीजा ये होता है कि तर्जुमे नहीं हो रहे जी उतनी तेजी से, जी यानी अंग्रेजी में चीज आ जाती है तो जबाने जानने का जो एक हमारे यहाँ लपका था कि हम फर्स्ट कीजिए हम हिंदी भी बोल लेते थे और लिख लेते हैं और फर्स्ट कीजिए संस्कृत भी पढ़ लेते हैं और दूसरी जबानें भी पढ़, अपनी जबानों में पंजाबी जी और थोड़ी थोड़ी सिंधी और उर्दू तो पढ़ लेते हैं, लेकिन अब अंग्रेजी में हर चीज आ जाती है। तो वो जो ख्वाहिश थी कि भाई लैटिन पढ़, यानी स्पेनिश पढ़ लें, फर्स्ट कीजिए जी रशियन पढ़ लें, जी वो ख्वाहिश नस्बतन कम होती जाती है। जी सर, हिंदी से आपका क्या ताल्लुक है और था और किस तरह से, वो अगर आप बता पाए, बड़ा दिलचस्प है यहाँ जो लोग सुनते हैं उनके लिए कि हिंदी से आपका कैसा रिश्ता है, अवधि से, अगर हिंदी मैं अवधि। जी जो हमारे जो डॉक्टर सिंह जी नामवर सिंह जी हमारे बड़े जी 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 हमारे लीडर थे और भीष्म साहनी हमारे लीडर थे, तो दोनों आपके बड़े बड़े नावल निगार भी जी और तनकीद समझ निगार जी अदीब बड़े, और जी हमारे एसोसिएशन राइटर्स के वो बड़े लीडर्स में थे, तो मेरी उनसे नियाजमंदी थी। अभी देखिए मसन मैं आपसे मसन हमारे यहाँ बहुत से लोग अभी हिंदुस्तान में भी ऐसे होंगे कि वो अज्ञेय वात्स्यायन का नाम नहीं ले सकते, नहीं? जी जी अच्छा, जी उनसे मेरी बड़ी नियाजमंदी थी। जी आपको हैरत होगी, जब पहली दफा वो लंदन तशरीफ लाए तो मैंने उनकी एक नज्म थी नाच, जी और मैं उससे बहुत फैसिनेट होता था। और मैं अच्छा उनके साथ उनकी एक दोस्त थी जो उनको मेरे पास लेके आई, इला डालमिया उनका नाम था। जी अच्छा, अब मैंने उनको बीबीसी से इंटरव्यू किया, मैं उस जमाने में बीबीसी में भी काम करता था, जी तो मैंने इन लोगों को जिसे कहते हैं सबकन सबकन पढ़ा। आपके इल्म में है कि लिंग्विस्टिक फॉर्मूला जो था इंडिया का नेहरू जी के जी जमाने में, ये जी फाइनलाइज हो गया था, जी और उसमें ये था कि जो भी लोग हैं हिंदुस्तान में रहते उनको तीन जबाने पढ़नी होंगी। पहली जी अंग्रेजी पढ़ेगा वो, जी और जिसे आप कहते हैं कि जो राष्ट्रभाषा है हिंदी वो पढ़ेगा, जी और जो उसके सूबे की जबान है, जी अगर किसी के सूबे की जबान तेलुगु है तो वो तेलुगु पढ़ेगा, किसी जी की मलयालम है तो मलयालम पढ़ेगा, कन्नड़ है तो कन्नड़ पढ़ेगा, जी बंगाली है तो बंगाली पढ़ेगा। तो ये अच्छा, अब क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो प्रोविंशियल लैंग्वेज थी वो हिंदी थी, तो हमको फिर एक क्लासिकल लैंग्वेज पढ़नी पड़ती थी, मैंने संस्कृत ली हुई थी, तो इंटरमीडिएट में भी, हाई स्कूल में भी, बीए में भी, तो तीनों जगह मैंने संस्कृत में आया। तो फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री में एक पेपर होता था, हिंदू सोशल सिस्टम उसका नाम था, अभी जी भी होता होगा, जी तो जी वो जी मैंने, जाहिर है कि जब आप एमए के लेवल पर आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना होगा और आपको जानना जी पड़ेगा कि जी क्या 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 है और क्या क्या नहीं जी है। अच्छा, फिर हमारे महल में आप जहाँ जा रहते हैं जो जी झांसी कुआं है जी वहां पर बिल्कुल, एक, हनुमान मंदिर है वहां वहां पर पर एक जी पुराना। जी हनुमान जी का एक मंदिर है उधर, जी जी और वहां बहुत से हमारे उस मंदिर से ताल्लुक रखने वाले बहुत से दोस्त हमारे थे और हमारे घर आते थे, और हमारे साथ मेरे बचपन का एक दोस्त था विजय प्रकाश शुक्ला उसका नाम था, जी, आप और जिक्र करते हैं जी उनका अक्सर। जी हाँ, वो मेरे यहाँ आकर, वो देखिए आप पंडित थे वो, और मेरे यहाँ आकर मेरा उसका अजीब ताल्लुक था। पहले मेरा कॉलेज का दोस्त था, फिर वो चला गया, उनके वालिद जो थे वो उनके तबादले होते तो वो चला गया कहीं, फिर वापस आया बीए में मेरे साथ, और हमारी बड़ी दोस्ती थी, और उनकी बहन हमारी दीदी शारदा दीदी, और उनका घर पूरा हमारे घर की तरह था, तो वो हमारे आते थे और हम पंडित जी जो थे मेरी वाह वालदा उनको मना करती थी, मां वो मानता नहीं था, और जी
जो घर में उससे बहुत मोहब्बत करती थी, जब भी आता उसके लिए खाना वाना पका के, और उसको उसको कहती रहती थी, मैं वो नहीं मानता था और वो सब खाता था जो उसको नहीं खाना चाहिए। अच्छा, लेकिन अच्छा, तो जाहिर है कि जो जिस हमारे दोस्तों में, अभी मुझे अब बच्चों का बहुत से लड़कों का नाम नहीं मालूम, हमारा एक दोस्त था घनश्याम दास अग्रवाल उसका नाम था, एक जी लड़का था श्रीवास्तव, हमारे यहाँ बहुत रहते कायस्थ जी रहते थे, जी श्री कृष्ण श्रीवास्तव, एक सुशील जी सुरेश कुमार श्रीवास्तव सक्सेना हमारे जी बहुत दोस्तों में थे। जी मेरे नाना जो मैंने आपसे अर्ज किया कि वो मजदूरी करते थे, मगर समहाउ उनकी उन जान पहचान कह लीजिए और नौकरी कह लीजिए एक तरह की, एस के नारायण साहब को भी वो जानते थे, प्रोफेसर एस के नारायण, जो अच्छा जी लखनऊ यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के, और जी खास तौर पर लखनऊ उनका स्पेशलाइजेशन था, उन्होंने बड़ा काम किया उस पर। अच्छा तो उस जमाने में चीज होती थी अटेस्टेड कॉपीज, जी 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 तो जब मुझे जरूरत पड़ती थी तो मैं, नाना के मेरे एक दोस्त थे आनंद नारायण मुल्ला, अरे जसपुर बहुत नाम बड़े के, आदमी अच्छा, थे सर जी, बिल्कुल आ तो रहे वो जब मैं उनके यहाँ जाता था तो जाहिर है कि हमारे नाना तो यानी बहुत ही गरीब आदमी थे, तो वो बाबा को देखते ही आवाज देकर अरे आइए आइए, और उनको बहुत इज्जत से बिठाते, और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि भाई जी ये एक आदमी है जो चीफ जस्टिस हैं और जो इतने बड़े शायद आदमी हैं, इतनी बड़ी कोठी में रहते हैं जी और वो बाबा का इतना एहतराम करते हैं। अच्छा, अब हम उन्हें कागज देते, वो उन कागजों पे यानी अटेस्टेशन कर जी देते थे। जी जी बढ़िया तो इससे मुझको बेशुमार, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे जमाने में शिवमंगल सिंह सुमन और रामधारी सिंह दिनकर और नीरज और महादेवी और राम कुमार जी और निराला, ये सब हयात थे मेरे बचपन में, ये सब बच्चन, ये सारे के सारे। अच्छा, जी मैं हिंदी में भी इनको पढ़ लेता था और हिंदी में मेरे लिए कोई लिखना भी मुश्किल नहीं था और बोलना भी मुश्किल नहीं था। और मैं नामवर जी यहाँ आए तो मैंने एक दिन कुछ कुछ किसी तकरीर में कोई गीता का एक आध कुछ पढ़ा, अच्छा श्लोक पढ़ा, श्लोक वो बाद में मुझसे कहने लगे इफ्तिखार जैसा तू पढ़ता है ऐसा तो मैं मुझसे भी, मैंने कहा मैं तो बचपन से पढ़ा हुआ था इसलिए मैं वाह पढ़ रहा हूँ। अच्छा, मुझे बहुत दिन तक जैसे याद थे, जी जैसे कहते थे ना, फर्ज कीजिए गमिष्यति जी गमिष्यता गमिष्यति गमिष्यति, ये जो दाने होती हैं जी जैसे अरबी में होती है, आप सब जानते हैं, जी साते जी उतरे हो हम आम वयम, ये जो था ये सब मैंने जी रट्टा लगाया हुआ था और मुझे अरे बहुत अच्छे मार्क्स क्या मिलते थे, बात और क्या बात तो इसी सर। एक इसी वजह से। आखिरी एक सवाल, आखिरी सवाल है ये कि ये हालांकि इससे इतर है, ये मेरा पर्सनली मैं पूछना चाहता था कि आप इतना अच्छा पढ़ते हैं तो क्या उस जमाने में रिसाइटेशन की भी एक सीखने की एक रिवायत थी, जैसे शायरी सीखते थे बाकायदा लोग उस्तादों से, तो क्या ये तहत में पढ़ने के लिए ये भी इसकी भी ट्रेनिंग या तरबियत से आती थी ये चीज़? देखिए हिमांशु, जो लखनऊ की तहजीब थी उसमें दो तीन चीजें ऐसी थी जिसने इनडायरेक्टली मुझको मुझ पर असर डाला होगा, ये मैं समझता हूँ। देखिए मेरे जमाने में अभी दास्तानें पढ़ी जाती थी, तिलिस्म होशरुबा मसरन, दास्तान अमीर हमजा, तो उस जी जमाने में पढ़ने वाले मौजूद थे, अफीम खाकर और अच्छा अंटा उन्होंने जबान के नीचे रखा और अच्छा याददाश्त से वो दास्तानें सुनाते थे और लोग उनके अतराब हुक्के के रात रात भर वो दास्तानें जो थी वो पढ़ी जाती थी, और एक खास तरह के लहन में वो पढ़ी जाती थी। वो मैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप खुद पढ़ते हैं, जी आपने जी आप लेकिन उसको हमने तो सर देखते सुना है सिर्फ उन लोगों के बारे में, देखा कभी नहीं अच्छा सर। अच्छा अब वो मैंने उनको सुना, मेरे जमाने का आखिर था वो। दूसरे ये कि मरसिया पढ़ा जाता था। अच्छा, जी मरसिया मिंबर पर बैठकर एक खास तरह से बैठेंगे, हाथ जी कितनी दूर जाएगा, बयाज कैसे रखेंगे, जबान लहजा कैसा होगा, गुफ्तगू करने में किस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए। जी अच्छा, फिर एक शाइस्ता जबान बोली जाती थी, यानी नरमी के साथ बोली जी जाती थी, मिठास के साथ बोली जाती थी। जी और देखिए अवधी और ब्रजभाषा जी दोनों का असर है हिंदी पर, यानी जी खड़ी बोली तो जी है ही, मगर जो ब्रजभाषा का असर है कि जी सूरदास जी के पद हैं, या फर्ज कीजिए कि तुलसीदास जी के की रामायण है, जी
अवधि में है, जी और ब्रज जी भाषा इधर, फिर मीराबाई, जी इन सबको अगर आप पढ़िए, जायसी, तो सारे के सारे जो लोग हैं इनके मुख्तलिफ, भाई ये नर्म हैं सब जी जी सब, जिसे कहते हैं ना कि शांति रस वाले लोग हैं ना ये सब, जी जी तो उसकी वजह से इनके यहाँ एक, तो वो मैंने कोशिश नहीं की, जी लेकिन वो होना होता है। देखिए अब आजकल मौसम बदल रहा है, जी तो जाहिर है कि मैं पहले गर्म कपड़े पहनता था, अब जब सर्दी आ गई है तो मैं, गर्मी आ गई है तो मैंने इसके मुताबिकत से कपड़े पहने, तो जो जी तहजीबी आबो हवा होती है जी वो असर करती है। देखिए अनीस के ऊपर फैजाबाद का असर था, जी अनीस के ऊपर फैजाबाद से आए थे ना अनीस लखनऊ, जी उनके जी वालिद, बिल्कुल जी। तो क्या ये मुमकिन है कि फैजाबाद का रहने वाला जो है उस पर रामायण का असर नहीं होगा? ये मुमकिन नहीं है। इसलिए बाद लोगों ने ये कहा कि जैसे रामायण में रिश्तों की शायरी जी है, वैसे ही अनीस के यहाँ रिश्तों की शायरी है। जी अच्छा, अब ये पैरेलल्स जो हैं ये हमने बनाए नहीं हैं, ये कोई हमने इजाद नहीं किए हैं, जी जी ये हैं। कि जी अगर फर्ज कीजिए रतनलाल सरसार जो हैं वो उसी उसी इलाके के रहने वाले हैं, या ब्रज जी नारायण चकबस उसी जी इलाके के रहने वाले हैं, या आनंद नारायण मुल्ला उसी इलाके के रहने वाले हैं, जी और जोर साहब फर्ज कीजिए, और यगाना और आरजू और सिराज और एहतिशाम हुसैन और मसूद हुसैन रिजवी और अख्तर अली तिलहरी और अली अब्बास हुसैनी, ये भी उस इलाके के रहने वाले हैं। जी ये कैसे मुमकिन है कि वो मैंने नहीं सी जी इम्बाइब किया होगा और असर कबूल जी किया होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। वाह सर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातचीत हुई। और मतलब जिसे कहते हैं ना कि जैसी हम चाहते थे, जिसको हिंदी में लफ्ज है अभीष्ट, तो वैसी बातचीत हुई। बहुत शुक्रिया। मैं तो मतलब मैं बिल्कुल इस गुफ्तगू के असर में रहूंगा बहुत दिनों तक। बहुत शुक्रिया, आपने जिस खुलूस से बड़ी टाइम दिया और बहुत मेहरबानी, जितनी आपने जब फरमाया तो उसी वक्त मैंने तो कोई इनकार नहीं किया, इसलिए कि आप मुझे बहुत अजीज हैं, आपकी अरे गुफ्तगू मुझे अजीज है। और देखिए, कोई आदमी हार्वर्ड में पढ़ता है तो उसको हार्वर्ड याद आता है, कोई आदमी कैम्ब्रिज में पढ़ता है सारी जिंदगी अलीग 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 लिखते चले जाते हैं। तो जी। मैं उस यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, उस उन गलियों में खेला हूँ, तो और शायद ये भी होता है कि जब आदमी अपने आखिरी सफर पर रवाना होने वाला होता है तब उसको पीछे मुड़ के देखता है तो वो लोग याद आते हैं, और वो एक फितरी बात है, और इसमें कोई हिजक से नहीं है कि पार्ट ऑफ इट, और जो मेरी एग्जिस्टेंस है, जो मेरे बीइंग है, उसका वो हिस्सा है। और सर, लखनऊ पर कोई नज्म कही क्या आपने कभी, या कोई शेर लखनऊ के लिए खास? मैंने मेरी जो ताज़ा किताब है उसमें एक आज शेर है जी जो उससे मुताल्लिक है, कि जो तल्ख नज्म है, लंबी नज्म है मगर तल्ख नज्म है। मैंने, लखनऊ एक ऐसी जगह थी जहाँ बाहर से लोग आते थे, जी और मीर तकी मीर को लोगों ने बहुत तंग किया लखनऊ में, जी और उन्होंने एक शेर लिखा कि मताए हुनर फेर लेकर चलो, बहुत लखनऊ रह लिए घर चलो, तो जी ये सब कहते थे। और मगर सच्ची बात यह है कि मुझको जब एक दफा मैंने शायद जिक्र किया किसी इंटरव्यू में कि जो साहब ने मेरे पास कोई सिफारिश भेजी, मैं उस जमाने में जी टीवी में एक अफसर होता था ऐसे ही जी कोई, तो जी उन्होंने अपने उस्ताद के बेटे को भेजा, और एक रुबाई मेरे नाम, दो रुबाइयां की, एक रुबाई मैं आपको सुनाऊं, जी आप बताओ। शायद इस पे जी खत्म भी कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। मुखड़ों से पटी राज दुलारी गलियां, मुखड़ों से पटी राज मुखड़ों से दुलारी गलियां। पटी राज दुलारी गलियां, चौथी की दुल्हन की तरह प्यारी गलियां, क्या बात। मुखड़ों से पटी राज दुलारी गलियां, चौथी की दुल्हन की तरह प्यारी गलियां, दिल की नगरी से आह भरती गुजरी, दिल वाह की नगरी से आह भरती गुजरी कल रात को लखनऊ की सारी गलियां। वाह वाह वाह, क्या बात है सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत इनायत मेहरबानी सर। और बहुत फिर कभी जरूर आपसे मिलना चाहेंगे, और आपके साथ बैठना एक पूरे लखनऊ और उसके पूरे तहजीबी पसमंजर के साथ बैठना होगा। बहुत ख्वाहिश है सर।
बहुत शुक्रिया बहुत सर, मेहरबानी, थैंक यू बहुत सर। करें।